أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم और अहले तकवा को उनकी कामयाबी के सबब अल्लाह निजात देगा, उन्हें ना कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और वो हर चीज़ का निगहबान है। आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ उसी की मलकियत हैं, और जिन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया कारी मोहम्मद इरफान साहब, आपने तिलावत कुरान करीम पेश की। नाज़रीन मरहबा, इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। जी आबदी साहब जी, बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह तिलावत के बाद हम मौजू का ऐलान करते हैं, मौजू बताते हैं। आज जुम्मतुल विदा है, इसकी बरकतों का भी जिक्र होगा, लेकिन पूरी दुनिया में आज फ़लस्तीनियों के साथ इत्तेहाद व यकजहती के लिए यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। अवामी सतह पर रैलियां हो रही हैं, मसाजिद से, इमाम बारगाहों से जुलूस निकल रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, इस तरह के टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो यौमुल कुद्स पर हमारी बात होगी। हमारे साथ जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुम्मी साहब मौजूद हैं, हमारे मुल्क के मारूफ आलम दीन और सफ़े अव्वल के खुतबा में से हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान शाह साहब, आप आलम दीन भी हैं और हमारे मुल्क की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में उलूम दीनिया पढ़ाते भी हैं। जी, आज इन दोनों मेहमानों से गुफ्तगू होगी। नासिर, मेरा ख्याल वक्त कम है। हमारे साथ जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुम्मी साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान शाह साहब, बगैर किसी तमहीद के जनाब क़िबला, आज के दिन यौमुल कुद्स की अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमुल कुद्स इस नाम और उनवान से इस दिन की मुनासबत इस्लामी इनकलाब के बाद हज़रत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी,
और इसका मकसूद व मंजूर उनके पीछे नज़र ये था कि माह रहमत है, माह रमज़ान है, माह मानवियत है, परवरदगार आलमीन की आज से 44 साल का जी ऐसे ही और कुर्ब खुदा की मंजिल है। और इंसान इस इबादत के साथ साथ अपनी इज्तमाई ज़िम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जे हो। मैंने हत्ता यहाँ तक पढ़ा है मराजे कराम के फतावा में कि अगर कोई इतकाफ में है तो आप जानते हैं कि वो हदूद मस्जिद से नहीं जा सकता, लेकिन वो कहते हैं अगर इस नियत से कि मैं मज़लूमीन फ़िलिस्तीन के लिए निकल रहा हूँ और यौमुल कुद्स, तो वो कहते हैं यहाँ तक ये भी जायज़ है, उसके इतकाफ़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके आवाज़ खिलाफ़ बुलंद करे और वापस इसकी अहमियत के हवाले से यानी बाज़ मराजे के फतावे जी ऐसे ही है। यौमुल कुद्स को ज़ाहिर है बैतुल मुक़द्दस की तरफ इसकी निस्बत है और बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा हमारे लिए मोहतरम मकाम है। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत मजीदा में खुद इसका ये तज़करा है, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा। डॉक्टर साहब इस आयत का तर्जुमा वक्फे के बाद कीजिएगा, हम वापस आते हैं और इस दिन की अहमियत पर गुफ्तगू जारी रखते हैं। मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में इफ्तार के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। जी आपकी जी जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुमी साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान शाह साहब मौजूद हैं। जनाब मौलाना, हमने अपने दो सेशंस में भरपूर गुफ्तगू की, हमने यौमुल कुद्स का पस मंज़र भी बयान किया और जो ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा को आवाज़ उठाने की वो भी किया। मैं अब ज़रा अवामी सतह की बात कर रहा हूँ, अवामी सतह पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो जुल्म की अब इंतहा है, यानी अब तो ये तो महावरतन कहा जाता है कि अल्फाज नहीं मिलते, अब तो वाकयान अल्फाज नहीं मिल रहे उस जुल्म को बयान करने की। वो वीडियो हम देखते हैं आदमी हैरान हो जाता है कि इंसान इंसान के साथ इस तरह भी कर सकता है, तो आम आदमी क्या करे, जो हम कर भी रहे हैं रैलियाँ कर रहे हैं कुछ और, लेकिन और कोई अमली इकदाम आम आदमी क्या करे। जी वाकयान आपने दुरुस्त फरमाया है कि आज के इस महज़ब दौर में जबकि दावा ये किया जा रहा है कि ये तामीर व तरक्की का दौर है और इस दौर में हम ये बर्बरियत और ये ज़ुल्म इस्तिब्दाद देख रहे हैं और आज की असर करबला में हम अपनी आँखों के सामने ये सारे मनाजिर देख रहे हैं और हकीकतन ये एक इंसानी अलमिया है, ये एक इस्लामी अलमिया नहीं, ये एक इंसानी अलमिया है। और इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा को और इसी तरह अगर मैं इसका दायरा वसी करूँ कि पूरी इंसानियत को जो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना चाहिए थी, और इसमें मेन किरदार जाहिर है ये बात तो तय है हुक्मरानों का है, चूँकि हुकूमतें ही हमेशा नुमाइंदा होती हैं आवाम की, तो अफसोस के साथ कहा जाए कि बिलखसूस इस्लामी हुकूमतों ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उनसे तवक्को की जा रही थी। तो दूसरा मरहला आ जाता है कि मिल्लत और अकवाम क्या करें, तो यकीनन आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, एक शौरी तौर पर एक इंसान दूसरे इंसान से इतना करीब हो गया है इस सोशल मीडिया की वजह से कि अब आपका पैगाम चंद मिनट्स में पूरी दुनिया में चला जाता है। जी बिल्कुल, तो इस हवाले से हमारा जो शरई वजीफ़ा भी है, इंसानी फरीज़ा भी है, वो यही तकाजा करता है कि हम इस मजलूमियत की आवाज़ को आम करें और इस जुल्म के ख़िलाफ़ इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें, जो हमसे कुरान ने, जो हमसे इस्लाम ने, जो हमसे एज इंसानी तवक्को की है, हमसे तकाजा किया है कि हम जुल्म के सामने कभी खामोश ना रहें। और बारहा इस हदीस का भी जिक्र होगा कि जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब की तरफ मंसूब है, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, आपने अपने वसीयत नामे में इमाम हसन मुश्तबा को अपनी ज़रबत के बाद ये वसीयतें इरशाद फरमाई और उसमें ये वसीयत इरशाद फरमाई कि जालिम के हमेशा दुश्मन रहो और मजलूम के हामी और मददगार रहो, और उस हमायत का एक दर्जा कि जालिमीन के खिलाफ और मजलूमीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करें और लोगों का शऊर बुलंद करें। पूरी दुनिया में बिल्कुल मुसलमान भी बल्कि गैर मुस्लिम भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और देखिए ये कहा जाए तो बेजा नहीं है मादरत के साथ कि मुसलमानों से ज़्यादा आज गर्भ में वहाँ की आवाम बाहर ज़्यादा निकली है, बिल्कुल। तो इसका माना है कि हमारी आवाज़ का इस बेदारी का असर हो रहा है। इसराइल हमेशा प्रोपेगंडा की और सिहूनी प्रोपेगंडा की जंग जीतते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में ये जंग वो हार गए हैं,
जी, वो मीडिया की जंग हार चुके हैं और इसी वजह से यही राय आम्मा का जो प्रेशर है, जो दबाव है, यही यूरोप, यही अमेरिका, यही अरब हुक्मरानों को और यही मुस्लिम उम्मा को और बल्कि मिन हैसुल मजमू पूरी इंसानियत को मजबूर करेगा कि वो इसके हक में आवाज़। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह कि अवामी दबाव से क्या हो रहा है। जी नासिन, अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस वक्त के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। अभी साहब हम गुफ्तगू की जाने पड़ेंगे। पूरी दुनिया में यौमुल कुद्स मनाया जा चुका है, ग्लोब और जा रहा है, ग्लोब के कुछ ऐसे हिस्से ऐसे हैं जहाँ जुमा हो चुका है जी, जी, जी। और वहाँ पर ज़बरदस्त रैलियाँ निकली हैं, कुछ जगह इस वक्त रैलियाँ निकल रही हैं, कुछ में अब जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, दुनिया के बिला मुबालगा करोड़ों लोग फलस्तीनी मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हमारा चैनल इसी तरह सेमिनार हो रहे हैं, चैनल्स पर प्रोग्राम हो रहे हैं। उम्मते मुस्लिमा में यकीनन यकीनन फलस्तीनियों की ये बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियाँ रंग ला रही हैं और उम्मते मुस्लिमा में एक नई रूह फूंक रही हैं। किबला वक्फे से कबल कुरानी हवाले से कुद्स की अहमियत बता रहे थे। मैंने अर्ज़ किया कि एक मुसलमान के लिए मस्जिद अक्सा या बैतुल मुकद्दस उसके तकद्दस का और उसके मुकद्दस होने का एक माना और मफहूम ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस मस्जिद का जिक्र हुआ है और हत्ता अगर आप देखें कि रसालत माब की जो मेराज का तस्करा है उस मेराज का नुक्ता आगाज़ एक नुक्ता आगाज़ मस्जिद हराम है यानी बैतुल्ला है और दूसरी जो आपको मेराज का एक पहलू है पहला ज़मीनी वो मस्जिद अक्सा है, यहाँ से फिर आप आसमानों की तरफ गए। तो गोया कहा जा सकता है कि परवरदिगार ने मस्जिद हराम से आपको मस्जिद अक्सा तक एक सैर करवाई और फिर इस सैर को आसमानों में परवरदिगार और वो एक अलग मौजू है, लेकिन इस मस्जिद के तकद्दुर इस मस्जिद की अजमत की तरफ ये इशारा है कि सरकार दो आलम जैसी हस्ती को परवरदिगार पहले यहाँ लाते हैं और यहाँ से फिर क़यामत तक ये कुरान मजीद में इस मस्जिद का। दूसरा इसकी नस्बत जैसा कि आप जानते हैं कि 2 हिजरी तक मुसलमान बाउनवान मुसलमान जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और रसालत माब पर ईमान लाए मक्की ज़िंदगी में खुसूसन, वो सब जब नमाज अदा करते थे तो उनका रुख इसी मस्जिद की तरफ होता था। क़िबला अव्वल कहलाता है। देखिए अमीरुल मोमिनीन ने अपने फ़ज़ाइल में जो इम्तियाज़ात अपने शुमार किए हैं खुतबा कासिया में नहजुल बलागा में, उसमें एक ये भी इम्तियाज़ है, आपने फरमाया मैं वो हूँ कि जिसने रसालत माब के पीछे पहली नमाज पढ़ी और मैं और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा थी। तो रसालत माब की इक्तदा में जब नमाज पढ़ रहे थे तो ये तीन हस्तियों का रुख खुद बैतुल मुकद्दस की तरफ था, तो एक सरकार दो आलम जैसी हस्ती, एक अमीरुल मोमिनीन, एक उम्मुल मोमिनीन, तो यही तीन उम्मत थे उस वक्त। जी ऐसे ही तो इस उनवान से हमारे लिए मुकद्दस जगह है और फिर इस रुख से हट के कि आप अगर इसका तकद्दस और उस जिहत से नहीं उम्मत के हवाले से और मिल्लत फिलिस्तीन के हवाले से देखें तो जिस तरह आप भी और तमाम हजरात ये जिक्र फरमाते हैं 75 साल से एक मजलूम कौम पर एक जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, एक ऐसी बेबुनियाद रियासत, एक जैली रियासत, एक साजिश पर मबनी एक फिक्र सोच के साथ और लाखों इंसानों को उनके आबाई और उनकी ज़मीन से महरूम कर दिया गया है। मुख्तलिफ ममालिक में वो एक खानाबदोशों की तरह और आबादकारों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा ना करे इंसान के लिए उसकी ज़मीन जो उसके कदमों के नीचे है वही उसकी ना रहे और वो अपनी सरजमीन में अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन में ज़िंदगी बसर ना कर सके। इस उनवान से अगर आप इंसानी रुख से देखें एक मजलूमियत का पहलू है, अगर आप इस्लामी रुख से देखें तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में परवरदिगार आलमीन ने खुद हमें इस चीज़ की तरह मुतवज्जे किया है और जालिम के खिलाफ उसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना ये तकाज़ा इंसानी भी है और फरीजा इस्लामी भी है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाह साहब, पूरी दुनिया में इस वक्त लोग निकले हुए हैं गलियों में सड़कों में, सेमिनार हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं और फलस्तीन का मसला उजागर किया जा रहा है, आप भी फरमाइए। बुनियादी तौर पे अगर हम इनफरादी ज़िंदगी के अतबार से देखें तो अफराद ने इनफरादी तौर पे तो अपना इजहार किया, जिस अंदाज़ में रिलीज भी आ रही हैं, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, लोग डीपीज़ अपनी लगा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कंपेन और ट्रेंड्स भी चल रहे हैं,
लेकिन ये जो मसला है एक्चुअली ये इंडिविजुअल्स की आवाज़ और इन चीज़ों से प्रेशर ज़रूर बिल्ट होता है जी जी, लेकिन बेसिकली ये डिप्लोमेटिक लेवल पे इन चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। जब तक स्टेट्स अपना रोल प्ले नहीं करेंगी उस वक़्त तक उस आवाज़ के अंदर एफेक्टिवली वो जो स्ट्रेंथ होती है जो आगे इम्पेक्ट हो जिसका, वो इम्पेक्ट तब होगा कि जब स्टेट्स इसके अंदर अपना रोल प्ले करेंगी। और इस वक्त मेरे ख्याल में स्टेट्स के लिए बड़ी मजबूत बुनियादें हैं। अभी जो CIJ का या इस तरह बैन अक्वामी अदालत का जेनोसाइड के बारे में इसके लिए ये वर्ड यूज़ करना ये कुछ थोड़ी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी एक, जिसको वो पहले कहते थे कि हमारे बारे में ये बातें जो है वो एक वायलेंस है कि आप इन चीज़ों को हमारे साथ लिंक कर रहे हैं। इसराइल और यहूदी लॉबी कोई बात करने नहीं देती, करने ही नहीं देती थी। लेकिन अब तो मैं कह रहा हूँ अमेरिकन सेनेट और अमेरिकन जो हाउस है उसमें भी हो रही हैं ये बातें, उसके अंदर ये बातें हो रही हैं। और मकसद ये है कि इस टाइम पे इंटरनेशनल लॉ के जितने भी बेसिक मैट्रिक्स हैं उनके अंदर भी आप अगर देखें तो किसी भी तनाजुर से इनके इस इकदाम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आई थिंक दैट इज़ रियली राइट टाइम कि इन स्टेट्स को यकजा होकर अपनी आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। और जैसे पहले इन काविशों के बाद इसराइल हमें आइसोलेशन के अंदर नज़र आ रहा है, जी जी। पहले वो कभी भी ऐसे नहीं था। और ये देखें आबदी साहब, एक ऐसा माहौल है कि जिसके अंदर आपके पास कोई इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी नहीं है, आपने ये चीज़ें को प्रोपोगेट नहीं की, ये वो रियल फैक्ट्स हैं, स्पीकिंग एविडेंसेज हैं कि जिसने दुनिया के हर बाशऊर बंदे को, चाहे वो किसी भी मज़हब से मुतालिक है, उसको मजबूर किया है कि वो गौर व फिक्र करे। और इतनी बड़ी कोर्ट्स के अंदर बैठे हुए जजेस ने जेनोसाइड वाली ये जो बात की है ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल में इस वक्त और जनूबी अफ्रीका जैसे मुल्क ने मुकदमा दायर किया था, मुकदमा दायर किया, और जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसने अपने फैसले में, बहरहाल उसका फैसला इसराइल के ख़िलाफ़ ही है, और उसमें उसने ये लिखा है कि इसराइल जेनोसाइड ना करे या इसराइल इंसानी जो पहलू हैं उनको मद्देनज़र रखे और एड्स और रिलीफ जो है वो मुहैया करे। ये पहली मर्तबा दुनिया में इंटरनेशनल कोर्ट से इसराइल के खिलाफ फैसला। लेकिन एक कन्फ्लिक्ट ये आ रहा है ना कि जैसे हम बज़ाहिर कुछ लोगों की बात अभी कर रहे थे वक्फा में भी कि बज़ाहिर हम इस्लाम का जो ब्रांड है वो यूज़ करते हैं लेकिन हमारे जो काम हैं वो ऐसे नहीं हैं, ठीक है, यानी लेकिन शहादतुल अफाल खैर मिन शहादतुल अक्वाल, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स की बात है। अब आप अमेरिका को देखें, एक मिनट आपकी बात काटनी हो रही है कि अगर आप अमेरिका को देखें तो एक तरफ जब सात वो बंदे जो एड वहाँ पे दे रहे हैं उन पे अटैक किया गया और अमेरिका आवाज़ उठा रहा है कि इससे ज़्यादा हम साथ नहीं चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से वेपन्स भी आ रहे हैं, बाकी सपोर्ट भी आ रही है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इन सब को अगर समराइज किया जाए जी तो बात फिर वही है कि हम इसराइल के लिए जिस अंदाज में बेगिंग कर रहे हैं जस्टिस की, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स की, इस तरह बात नहीं चलेगी। तकदीर के काजी का फतवा है अजल से है, जुर्म ज़ईफी की सजा मर के मफा जाती। अच्छा मौलाना साहब आपसे भी और डॉक्टर साहब से भी बाद में कुछ थोड़े से पॉजिटिव पहलू अगर देख लें, पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन मुस्तकबिल के लिए एक रास्ता बनता हुआ हम देखते हैं कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि ईस्ट और वेस्ट, शर्क और गर्ब, मुसलमान ममालिक एशिया और यूरोप जी, उसमें अवामी सतह पर फिक्री हमांगी हुई और दूसरी तरफ हम हुक्मरान तबके की भी फिक्री हमांगी देख रहे हैं। हुक्मरान तबका मुसलमान हो या हुक्मरान तबका वेस्ट का हो, वो अपने अवाम की बात पर कान नहीं धर रहे उस तरीके से। लंदन में अमेरिका और बेल्जियम में, स्पेन में, आयरलैंड में इतने इतने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं जिनको मिलियन मार्च कहा गया है, वाकई 10 लाख लोग शरीक थे। हमारे यहाँ तो जब 50,000 से बढ़े तो फिर वो कह देते हैं जी लाखों का मजमा, जी लाख ठाठे मारता हुआ समंदर है, लेकिन वहाँ वाकई 10 लाख थे। तो ये एक पॉजिटिव पहलू तो है, ये आप फरमाइएगा। देखिए आपने जिस पहलू की तरफ इशारा फरमाया है, जो कौमें हैं ना, जब किसी भी तहरीक में कौम शामिल हो जाए और अवामी बेदारी जिसे हम कहते हैं और अवामी हिमायत जिसे कहते हैं, उसको आप भी सब चंद सालों के लिए या कुछ वक्त के लिए तो उस तहरीक का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन हमेशा मुकाबला नहीं किया जा सकता। अवामी जदोजहद का एक, और जब वो अवामी जदोजहद एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ले
और उस तहरीक के पीछे एक हदफ, एक मकसद नुमाया हो, तो उस वक्त उसका मुकाबला करना, उसके मुकाबले पे आकर ताकत और कुव्वत और कुदरत से उसे दबाना, ये बास जगह मुश्किल और बास जगह एक मरहला आता है नामुमकिन हो जाता है। देखें, अगर दुनिया के उन तमाम इनकलाबात की आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे उनकी बेस कुछ भी थी, इनकलाब फ्रांस है, इनकलाब रशिया, इनकलाब ईरान है, आप देखें उसमें जब तक अवामी हिमायत शामिल नहीं हुई वो कामयाबी और कामरानी से हमकनार नहीं हुए। अब हमारे जो सदी में जो बड़ा इनकलाब बरपा हुआ है और उसमें आप देख लें कि अवामी हिमायत ने एक 2500 साल शहनशाहियत को शिकस्त दी है, यानी दुनिया की सबसे पुरानी उनका क्लेम था कि हमसे पुरानी शहनशाहियत दुनिया में नहीं। और अगर आप माशाल्लाह साहब मुताले हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, अगर देखा जाए तो वो हुक्मरान जिससे के मुकाबले पे वो अवाम थी, वो कौम थी, उसकी पुष्ट पर तमाम इस्तेमारी, इस्तकबारी और दुनिया की ताकतें खड़ी थी। शर्क व गर्ब उस वक्त, अगर शर्क की नुमाइंदगी सोवियत यूनियन कर रहा था और गर्ब की नुमाइंदगी हमेशा अमेरिका और यूरोप करता रहा है, तो वो पुष्ट पे खड़े थे, लेकिन वो अवामी इस का मुकाबला ना कर सके, अवामी तहरीक का। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि मौजूदा हालात में भी सोशल मीडिया ने जो शऊर पैदा किया है, इस शऊर के नतीजे में जो आलमी रायामा एक तरफ इसराइल का जुल्म और बर्बरियत और दूसरी तरफ फिलिस्तीनी और गजा के मजलूमीन की मजलूमियत ने एक ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया की इस वक्त राय आमा, पूरी दुनिया की राय आमा इस वक्त अमेरिका इस क्या है फिलिस्तीन के हक में और अमेरिका और इसराइल के मुखालिफ खड़ी है। ये मुमकिन है हमें वक्ती तौर पर ये नज़र आए कि इन हालात और वाकयात में यूरोपियन या दूसरे अमेरिका कुछ कर नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, इन हालात और वाकयात के बावजूद भी कि वो जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। इंशाल्लाह जब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो इस हवाले से मैं जिक्र करूँगा और इस बात को भी अदाद व शुमार के साथ आपकी खिदमत में जिक्र किया जाएगा। अगर मैं इसको अपने मकतबी रुख से इसकी मिसाल दूँ तो ऐसे है कि देखें, ये बाउनवान मुसलमान हम अय्याम मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं, तो उस गम का एक पहलू तो मजलूमियत की हमायत और जालिम की मुखालफत है, लेकिन ये आज़ादारी का हर दौर में बढ़ना और इस जिक्र सैयद शहदा की में ये जो वसत आई है, इसका सबब क्या था? इसका सबब ये था कि जिक्र सैयद शहदा के पीछे हुकूमतें नहीं थी, अवाम थी। जी बिल्कुल सही। फारसी वाले फारसीदान कहते हैं कि ये आज़ादारी एक मर्दमी आज़ादारी है, अवामी आज़ादारी है, यानी आम आवाम इसमें शामिल। और आप ये फरमा रहे हैं कि जो अवामी तहरीकें होती हैं वो सदियों का सफर तय करती है लेकिन खत्म नहीं होती। और ना हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ राशिद वारी साहब भी मौजूद हैं, अगर हुजूर के दरबार में ले चलें, और हम तो वसीला समझते हैं हुजूर को, ये जितने इस वक्त जुल्म है हुजूर के वसीले से हम दुआ करते हैं, उनकी बारगाह में पहुँचते हैं और नात भी सुनते हैं, दुआ भी करते हैं। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए राशिद वारी साहब। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी
फलस्तीन में आ रास्ता देखती है मस्जिदे अक्सा तेरा पूरे कद से जो खड़ा हूं तो ये तेरा है करम मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा अहमद नदीम कासमी का खूबसूरत कलाम और फलस्तीन के लिए लाजवाल शेर राशिद वारी साहब ने पढ़ा और हम दुआ करते हैं वही जनाबे मौलाना डॉक्टर रहमान शाह साहब एक तो सारी उम्मत की यही दुआ है जो अभी अहमद नदीम कासमी का मिसरा के रसूल पाक मदद को आएँ क्योंकि जुल्म की इंतहा हो चुकी है। उसी बात को कंटिन्यू करते हैं, वक्त हमारे पास कम है लेकिन दो तीन मिनट्स में आप कि जो अवामी राय आमा पूरी दुनिया की जो एक हो गई है ये असर ज़रूर डालेगी, ये बेअसर नहीं होगी फ्रॉम जापान टू जनूबी अफ्रीका और फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया पूरी राय आमा लाखों की तादाद में निकल कर और अपने अज़्म का और इसराइल के जुल्म के खिलाफ जो जिद्दोजहद है उससे हमदर्दी का ऐलान कर रही है। एब्सोल्युटली राइट आब्दी साहब, आपका ये जो इस मायूसी और कनूतियत की इस फिज़ा के अंदर ये राय आमा का आज के ग्लोबल विलेज में एक हो जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मॉडर्न जितनी भी इंटरनेशनल लॉ की थ्योरीज हैं या मास कम्युनिकेशन में भी आप देखें बाकी जितनी भी हैं जैसे राय को एक जगह पे यकजा किया जाता है डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू। और लेकिन मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारे पास कोई ऐसा और चैनल नहीं है, ये अल्लाह की एक ताईद नजर आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें वक्फे पे जाना है, वक्फे के बाद जो प्रैक्टिकल हम क्या कर सकते हैं आगा साहब से भी पूछेंगे और आपसे भी वक्फे के बाद हमारे पास काफी टाइम होगा। जी ना अभी आपको बताएं कि लाहौर और उसके मजाफात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, दूसरे इलाकों में रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोजा इफ्तार करें। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा, इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। जी आप जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुम्मी, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुलरहमान शाह साहब। प्रोफेसर साहब, मैंने मौलाना साहब से वक्फे से कबल पूछा था कि आम आदमी क्या करें कि जो इस वक्त जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में और हम रोज़ तकरीबन अल्फाज दोहराते हैं, बल्कि अल्फाज ही नहीं है, दोहराएं क्या कि चश्मे फलक ने ऐसे मनाजिर तो देखे ही नहीं जुल्म के, और सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से अब वो सामने भी आ गए हैं। उससे पहले ये भी बात हुई थी कि जो यूरोप के और मुसलमानों के आम आवाम हैं उनकी जो आवाज़ वो बुलंद कर रहे हैं उससे एक रायामा हमवार ज़रूर हो रही है, वो आप फरमाइएगा कि जैसे मौलाना साहब ने भी कहा हम आम आवाम जब रैलियों में शिरकत करते हैं, जब सेमिनार करते हैं, जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ जो बुलंद करते हैं तो हमारा कितना हिस्सा फिर उसमें बन जाता है। देखिए आब्दी साहब, हर इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमारी मजहबी ताबीर के एतबार से भी और कौमों के इज्तमाई रवैयों की तशकील के हवाले से भी। जैसे हज़रत इकबाल ने कहा कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। यही इंडिविजुअल्स का जो एग्रीगेट है ये बड़ा होकर पूरी इज्तमाई धारे को जन्म देता है। और एक बंदा अपने तौर पे इस चीज़ को ज़रूर मलूज़ ख़ातर रखे कि जो कुछ उसकी बिसात में है, हुज़ूर की हदीस पाक कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयत, हर बंदा निगेबान है, अल्लाह ने किसी को बेख्तियार पैदा नहीं किया और उससे उसी रईयत के बारे में पूछा जाएगा। अब खुतबा हैं तो वो मिंबर और मेहराब के वारिस हैं, वो वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। टीचर है तो वो तामीर मिल्लत के अंदर जो उसके सामने स्टूडेंट्स हैं उन तक वो अपना मैसेज पहुँचाएँगे। और आम आवाम है तो आजकल मेरे ख्याल में एक बंदे का बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो इसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर गुजर रहा होता है, तो अपनी एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू जहाँ तक आप इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, आपकी फॉलोइंग है, अगर नहीं है तो आप वो ज़राए बढ़ाएं और उसके बाद अपने टोटल पोर्टफोलियो के अंदर उन लोगों को भी लें कि जिनके थ्रू आप अपनी इस आवाज़ को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें।
क्योंकि आजकल तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो पब्लिक की राय आमा को देखकर उसके मुताबिक आगे फिर पॉलिसीज़ बनाते हैं और मामलात करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हर बंदे की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर दीनी हवाले से जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया ना, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, कि जो भी तुम कर रहे हो तुम्हारे वो सारे के सारे मामलात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आप कभी भी कारखाना कुदरत के अंदर एक बंदे को अपनी इनफरादी उस राय को, अपनी इनफरादी ओपिनियन को और इवन एक पोस्ट को उसको अबस नहीं समझना चाहिए। उसका ज़रूर इम्पेक्ट होता है और कल अल्लाह के हुजूर जब हर बंदे की इंडिविजुअल शीट जाएगी तो वो ये तो कह सकेगा इन मजलूमों के लिए, ए मालिक मेरे पास जो भी मेरी कैपेसिटी में पॉसिबल वे था मैंने इस आवाज़ को उठाया। तो और ये जो बड़ी मशहूर हमारी रिवायत है ना कि एक बुढ़िया एक छोटे से धागे के साथ या रील के साथ यूसुफ को ख़रीदने चली गई थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो उससे जब पूछा कि भाई इससे यूसुफ मिलेगा तो उसने कहा मैं ख़रीदारों में तो शामिल हो जाऊँगी। इसी तरह वो परिंदे की भी वो है कि हज़रत इब्राहिम को जलाने वाली आग चोंच में एक कतरा लेके वो जा रहा था कि मैं इब्राहिम पर बरसने वाली आग को खामोश करूंगा, अपना हिस्सा तो मैं अदा करूँ। बात आगा साहब की है जो पहले आप फरमा गए कि जो नज़रिया की ताकत है वो बहुत बड़ा उसका असर होता है और उसका इम्पेक्ट होता है और हर इंडिविजुअल जो है उस नज़रिए का अमली तर्जुमान है और वह जब अमलन इन चीज़ों की जानिब आगे बढ़ता है तो उसके असरात आप देख रहे हैं कि वो लोग के जो वो कहते हैं ना अलफजीलत मा शाहिदत बिहिल आदा, कि असल फजीलत तो ये है कि जिसमें आदाब भी बोले, जिन्हें हम अपना दुश्मन समझते हैं अगर वो इस इशू के ऊपर निकल के आगे हैं तो फिर बिल यकीन ये बहुत बड़ा चेंज है और इंडिविजुअल्स को ये अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। और इंशाल्लाह कल की जो सुबह नूर है वो तभी तुलू होगी कि जब आज की जुल्मतों और इन तीरा दस्तियों से हम तंग आके अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आगा साहब अब थोड़ा सा रोल कुछ और हम बढ़ाएं अगर, कि मुसलमान मुल्कों की बड़ी ताकत है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक मुल्क है इस्लामी मुल्क जिससे इसराइल का 40% तेल पूरा होता है। वो जब हम नाम इस्लामी मुल्क लेते हैं तो फौरन ध्यान चंद मुल्कों की तरफ चला जाता है, कोई अरब मुल्क नहीं है, मैं अरब मुल्क नहीं है वजाहत कर दूँ, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिससे 40% तेल इराक को जाता है। जो जहाज़ तेल भर के बम्बारी करते हैं उसका 40% एक इस्लामी मुल्क से जाए और एक और इस्लामी मुल्क है जिसकी बंदरगाह से वो तेल लोड होता है। चारों तरफ इस्लामी ममालिक हैं उसके। अगर हम वाकयान इसराइल का बाइकाट करें तो उसके पास तो ईंधन नहीं रहेगा और बहरी जहाज़ों से भी कहाँ से आएगा, चारों तरफ से मुसलमान ममालिक हैं, ये हम कर नहीं पा रहे। अब क्या दुआ करें या अवाम, ज़ाहिर है कानून का दायरा तो तोड़ नहीं सकते, अपनी अपनी ममलिकतों के कवानीन की पाबंदी वो भी वाजिब है, फ़र्ज़ है। तो अब ये सेमिनार, रैलियाँ, आवाज़ बुलंद करना, रायामा की क्या ताकत आप समझते हैं इंशाल्लाह ऐसी होगी कि आखिरकार हुक्मरानों पे दबाव पड़ेगा? जी, इस पहलू की तरफ मुतअद्दद बार इशारा भी हुआ है और हकीकत हाल यही है कि जो आपने बयान फरमाई, लेकिन इसकी वजाहत और इसमें जो तफरीक है वो आपने खुद ही फरमाई है आपकी गुफ्तगू में भी, कि एक तरफ मिल्लत और कौमें खड़ी हैं, मिन हैसुल कौम, अगर उम्मत मुस्लिमा कोई कौम शुमार करें या इन ममालिक की बसने वालों को अलग अलग कौम शुमार करें, हर मुल्क की जो अक्सरियत है वो अगर देखा जाए तो वो इसराइल मुखालिफ है। देखें, इसराइल एक जैली रियासत है जिसका वजूद कानूनी, अखलाकी, जोग्राफियाई हवाले से असरन काबिल इस बात नहीं है। इसलिए कोई मुल्क भी अपनी साख और अपनी बका के लिए, मैंने कि जैसे अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान और इंडिया 1947 से पहले एक मुल्क थे, 1947 के बाद जब ये दो अलग मुल्क हुए तो इस मुल्क की एक नज़रियाती बेस है, बुनियाद है, असास है, जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क को पूरी दुनिया में कबूल किया गया। इसकी एक बुनियाद दो कौमी नज़रिए पर थी और यहाँ वो लोग आबाद हैं, सिर्फ बॉर्डर अलग हुए हैं, एक रियासत एक लकीर खींची गई है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आबाद वो तमाम लोग, अक्सरियत जो है महाजरीन भी थे, वो थे जो यहाँ के रहने वाले हैं, यानी उनकी इस मिट्टी से, इस खित्ते से, इस इलाके से, इस कल्चर से एक कल्बी वाबस्तगी थी, वो इसे अपना मुल्क समझते थे।
ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये पूरी दुनिया के मुफक्किरीन, चूँकि जो तजिया नगार होते हैं, जो मुफक्किरीन होते हैं, उनका मिजाज अमूमन ऐसा नहीं होता कि वो किसी मुल्क या किसी मज़हब या किसी मकतब या किसी मसलक के नुमाइंदा बनकर बात करें। और अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसे तजिया नगार हकीकी माना में नहीं मानता। वो भी ये बात कबूल कर रहे हैं कि इसराइल एक फ़ज़ा में खड़ी हुई रियासत है, जिस तरह आपने फरमाया उसके बॉर्डर चारों तरफ से गैर महफूज हैं, और बाज़ जगह पर जो इसराइल है उसकी चौड़ाई 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। यानी अगर आप अभी भी नक्शे में देखें तो ये एक ऐसी रियासत है जो नेचुरल नहीं है। ये एक पहलू है। दूसरी तरफ पूरी कौम जो इर्द गिर्द इसके ममालिक हैं उनकी अक्सरियत काते, बल्कि मैं 100% भी कहूँ तो ये मुबालगा नहीं, हकीकत है, उन्होंने इसराइल को कबूल नहीं किया और ना ही कर सकते हैं, इसलिए कि इसराइल की बुनियाद जुल्म और सितम और जबर इस्तेमाल पर ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद सिलसिला जारी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। करेंट जनाब मौलाना सखावत कुम्मी साहब, वो राय आमा की बात हो रही थी कि, और मैंने आपसे सवाल ये किया था कि राय आमा तो उठ रही है पूरी दुनिया में, लेकिन जो हुकूमत मुस्लिम ममालिक हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे, और अगर वो वाकई ब्लॉकेट करें इसराइल का तो इसराइल रियासत उस जगह जिंदा रह नहीं सकती सिर्फ बाइकॉट करने से, अगर ना भी कोई हम जंगी इकदाम करें। ऐसा ही है, उसी पहलू पे मैंने अर्ज़ किया कि एक तरफ हुकूमतें खड़ी हैं, एक तरफ कौम खड़ी है, हर मुल्क की अकवाम खड़ी हैं, बल्कि तो ये अकवाम की जो राय आमा है जिसे हम कह रहे हैं बार बार, ये राय आमा के असरात हैं। देखें, शायद चूँकि हम जिन ममालिक की बात कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये भी एक शर्मिंदगी का बायस है एज ए मुसलमान कि अगर हम जमहूरियत की भी बात करें तो वहाँ आज के दौर में भी मलूकियत है और इस तरह के मसाइल हैं, लेकिन आप अगर गर्ब की बात करें तो वो हुकूमतें चूँकि दूसरे लोगों से वाबस्ता नहीं हैं तो वो अपनी राय आमा की बुनियाद पर ही आगे चलती हैं और उनको ज़्यादा इस राय आमा को अहमियत देना पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदाई तईद होती है, शहीद मुतारी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है इमदाद है गैबी दर ज़िंदगी या बशर, वो फरमाते हैं इंसानी हयात में जो गैबी अमदाद हैं इसकी तरफ मादा परस्त लोगों की नज़र नहीं होती, लेकिन खुदा परस्त लोग हमेशा गैबी अमदाद पर नज़र रखते हैं और ये गैबी अमदाद हमेशा उनके शामिल हाल रही है। मसलन कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा देखे, ये भी एक बहुत गौर तलब पहलू है कुरान मजीद के हवाले से कि कुरान मजीद नाजिल हुआ है उम्मत मुसलमा पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस कौम का कुरान मजीद में जिक्र है वो बनी इसराइल है, और परवरदिगार ने उनके उरूज और जवाल दोनों का जिक्र किया है, और उस उरूज और जवाल में परवरदिगार आलमीन की गैबी इमदाद दोनों जगह हमें नज़र आती है। मसलन जब फिरौन बनी इसराइल को का इस्तिबदाद कर रहा था और जुल्म सितम और जबर इस्तिबदाद का उनकी शिकार थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वजूद और फिर 70,000 बच्चों के कत्ल के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बच जाना, तो ये गैबी इमदाद नहीं तो और क्या है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तालूत और जालूत में हम देखते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किरदार सामने आ जाता है, ये गैबी मदद। तो हम बाउनवाने मुसलमान कहें या मैंने तो जो मुस्तशरिकीन है या गर्ब में जो मानवियत पर भी यकीन रखते हैं, और आप भी और डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह जानते हैं कि हम जब यूरोप का नाम लेते हैं तो अमूमन लोगों का तासुर यह है कि वहाँ पर मज़हब परस्त या दीन परस्त लोग नहीं हैं। नहीं, खुद मसीहियत में ऐसे लोग हैं जो बाकायदा इस गैबी अमदाद पर और सारी चीज़ों पर यकीन रखते हैं, और आज भी मज़हबी अकदार की तरवीज व तबलीग में अपना किरदार अदा वो भी ये कबूल करते हैं। और इन हालात में भी देखा जाए तो आपको अल्लाह की गैबी अमदाद और तईद वाजे नज़र आती है, और वो गैबी तईद लोगों के कुलूब का मुड़ना है, लोगों के दिलों का मुड़ जाना पूरी दुनिया में। मैं एक जुमले का इजाफा इसमें कर लूँ, अगर बाउनवान मुसलमान हम देखें, जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया है, आप देखें कि करबला का वाकया एक सहरा में वाकया हुआ, उस वक्त तो ना इस तरह कोई सोशल मीडिया था ना कोई टेक्नोलॉजी का दौर, सहरा में और तमाम दुश्मन ने घेरा हुआ है, इसके बावजूद भी आज जब आप अय्यामे मुहर्रम आते हैं तो छोटे छोटे वाकयात भी बयान हो रहे हैं, करबला में छोटे छोटे वाकयात भी बयान हो रहे हैं। और फिर देखें खुदा की तईद, एक जिहत से जालिम का जुल्म था कि शहदाए करबला के सर नोके नेजा पे बुलंद किए जाएं और रसूल खुदा की खानवादा को उनको कैदी बनाकर
कूफा और कूफा से शाम ले जाया जाए। देखें आबदी साहब, ज़ाहरी तौर पर जालिम ये समझ रहा था मेरी फतह है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यही जो कैदी और सराय करबला जा रहे हैं यही राय अम्मा को इतना मजबूत कर देंगे कि देखें यजीद और खानवादाए सुफियान में हुकूमत नहीं चली है कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद, मरवान के खानदान में चली है, रही बनू उमय्या में, लेकिन खुद यजीद का बेटा यजीद के खिलाफ बोल पड़ा। इसका माना है कि कत्ल सैयद शहदा ने इतने असरात और अल्लाह की गैबी मदद ने मज़लूम का इतना साथ दिया कि जिस यजीद ने इस तख्त और ताज के लिए और अपने तसल्लुत के लिए ये सब कुछ किया उसी का बेटा उसी के तख्त खुद भी दो साल बाद मर गया ऐसा ही है, और उसका बेटा इतनी बड़ी सुपर पावर का सरबरा उसने कहा इस मैं से ठोकर मार इस तख्त से मुझे खून हुसैन की बुआ। ये है मज़लूमियत की ताकत। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब, एक और पहलू, जब कहते हैं कि फलस्तीनी उठे हैं, पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं लेकिन राय आमा ने उनकी राय को बिल्कुल कुचल दिया, जो ये कहते रहे कि जी फलस्तीनी उठ गए हैं और वो तैयार नहीं थे और उन्होंने बम्बार्डमेंट हो गई और लोग मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। उनको शायद नज़रिए की कुव्वत का नहीं पता और नज़रिए के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब से इसराइल बना है उस वक्त से लेके अब तक हज़ारों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। साबरा शतीला कैंप 1982 में लबनान में हज़ारों फलस्तीनी शहीद हुए, उनके खून से हिजबुल्ला फूटी और हिजबुल्ला आजकल पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ख़तरा है साम्राज्य के लिए। हमास भी जी, और हमास भी, बिल्कुल सही बात है। इस सारे सिनेरियो में जो एक चीज़ हुई कि टू स्टेट थ्योरी दफन हो गई, जो ये कहते थे ना कि इसराइल भी एक स्टेट के तौर पर ज़िंदा रहे फ़लस्तीन भी, अमरीकी कांग्रेस में जो दो मुस्लिम खवातीन हैं, एक फ़लस्तीनी एक सोमाली, उन्होंने खड़े होकर तकरीर की हैं कि कोई अब दो स्टेट नहीं चलेंगे, अब वन स्टेट और वो होगी जमहूरी स्टेट। एक एक ये भी गलत फहमी ना रही कि शायद कोई आमरियत वहाँ कायम होगी, जमहूरी स्टेट जिसमें वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के यहूदी यानी मकामी यहूदी, मकामी अरब, मकामी ईसाई मसीही और मकामी मुसलमान वोट डालेंगे और हुकूमत बनाएंगे। ये अब जो है वो थ्योरी सामने आ रही है, ये भी कुर्बानियों का हासिल है। अब्दी साहब, आपकी इन पूरी जो एविडेंसेस हैं इन सबको अगर मैं समराइज़ करके एक अल्लाह की बारगाह में हाजिर करूं तो सूरह बनी इसराइल की एक आयत आती है सामने कि कुल जा अल हक वज़ाहक अल बातिल इन अल बातिला कान ज़हूका। इससे बड़ा कोई और तबसरा नहीं है कि टू स्टेट से वन स्टेट तक का जो सफ़र है यहाँ तक लाने में अल्लाह ताला ने बताया है कि जो हक है उसमें यही तो ब्यूटी है, वो अपने आप को मनवाता है, चाहे कितना ही प्रोपोगंडा कर लिया जाए। और इस कॉलोनीज़ के टाइम पीरियड के बाद मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी और अपने हलकों में यही बात कहता हूँ कि बज़ाहिर ये हमारे बदन तो आज़ाद हुए हैं लेकिन मॉडर्न जो गवर्नेंस स्टाइल है उसमें पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, लेकिन उनकी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सेकंड वर्ल्ड वार होती है तो सेकंड वर्ल्ड वार की खोख से जन्म लेती है यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मॉडल है बेसिकली ये मॉडर्न गवर्नेंस एक स्टाइल है कि जिसमें आप खुद न जाएं, अपने लोगों को वहां न मरवाएं बल्कि उन्हीं लोगों से वो काम लें जो आप करवाना चाहते हैं। बकौले अल्लामा इकबाल के वाए कौमे कुश्ता तदबीर गैर कारे ऊ तखरीब खुद तामीर गैर। तो हम आज बिल्कुल इस जगह पे खड़े हैं कि सारे उनके वो अजायम और मकासद जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पे निकलते हैं, पेंटागन से निकलते हैं, उन तमाम के अंदर रंग भरने के लिए हम गिरते गिरते अपना आगे अपनी जो हक वफादारी है वो जितलाते हुए आगे आते हैं। ब्रेक लेना, बिल्कुल ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़िम, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़िम, मरहबा, इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आबदी साहब, हम गुफ्तगू की जानिब बढ़ेंगे, ये हमारे आखिरी सेशन है और चंद ही लम्हात होते हैं। जनाब आगा साहब, आप कंक्लूड भी कर दें और जो कुछ नशेबो फराज फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान है कुछ उसका जिक्र हो जाए और जितना फिर हुमा हमें टाइम दें दोनों शख्सियात से हम अभी तो इसी को जी बहुत अच्छी बात है। फिर जी फरमाइएगा कि जो नशेबो फराज एक तारीखी आए वो और उसका हासिल अब हमें जो कुछ हासिल हो रहा है वो जी। इस हवाले से गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह कमा हकूक तमाम पहलू जिक्र हो गए। तो अगर आप देखें शायद हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस हवाले से इन नशेबो फराज से अगर आशना हो जाए तो उससे पता चलेगा कि कहाँ से ये मामला शुरू हुए और कहाँ तक पहुँचे हैं। इस फ़िलिस्तीन के मसाले को आलमी
राय अम्मा और जो हमेशा सोशल मीडिया से पहले आलमी सिहूनी ताकतों के हाथ में रही है और वही इसे मैनेज करती थी, तो वो हमेशा इस सिहूनी हुकूमत को मजलूम बना के पेश करते थे और अमूमी तौर पर दुनिया पूरी में यहूदियों को मजलूम बना के पेश किया गया। इसीलिए आज तक देखें उनकी असल जो तारीख है, जो वो दावा करते हैं कि जर्मन में हमें होलोकॉस्ट उस पर बात करना, देखें जिस मुल्क में रसालत माह पर तनकीद नाउज बिल्ला नकले कुफर कुफर नबाशद दुरुस्त हो, कुरान जलाना दुरुस्त हो, उस मुआशरे में आप होलोकॉस्ट पे बात नहीं कर सकते, तहकीक नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। तो ये खुद एक जाबराना और जालिमाना सिस्टम के तहत वो अपनी मजलूमियत को, मसनूई मजलूमियत को जो आम किए हुए थे, पहला इसका नतीजा ये निकला है गजा की जंग का, उनकी मसनूई मजलूमियत जो कि जुल्म और जबर जिसके साये में छुपा हुआ था उसका पर्दाफाश हो गया, बिल्कुल सही, बेनकाब हो गया, बिल्कुल सही। और कोशिश की गई कि इसको पहला मरहला में इसराइल और फलस्तीन का जाती तनाज़ा बना के पेश किया जाए, जो नाकाम हो गया। यौमुल कुद्स का ये फ़ायदा हुआ है आलमी तौर पर इसराइल और फलस्तीन अब एक जाती तनाज़ा नहीं रहा। दूसरा ये हरबा इस्तेमाल किया गया और प्रोपेगंडा किया गया कि इसको अरब और गैर अरब का एक तनाज़ा बना के पेश किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नाकाम हो गया कि इसको अरब और गैर अरब का मसला भी नहीं रहा। अब जो ख़तरा है हमें वो ये है कि इसको शिया सुन्नी मसला बना के पेश किया जाए और कहा जाए कि जी इस काज के हामी चूंकि शिया हैं, शिया मुल्क है, इसलिए इसको शिया सुन्नी में, ये तो इंशाल्लाह पहले मरहले में नाकाम, इंशाल्लाह मुसलमानों की बेदारी से इन मजलूमीन फिलिस्तीन की जो खून है ये रंग लाएगा और हमास जो 100% सुन्नी नुमाइंदा जमात है और हिजबुल्ला जो शिया नुमाइंदा जमात है और आज दोनों का काज, दोनों का मकसद, दोनों का हदफ एक है। यौमुल कुद्स ने शिया सुन्नी की तफरीक, अरब और गैर अरब की तफरीक और हत्ता अरब व अजम की तफरीक को ख़त्म कर दिया है। बेशक आज फिलिस्तीन का मसला सिर्फ एक अरब मसला नहीं रह गया, हत्ता इस्लामी मसला सिर्फ नहीं रह गया, एक इंसानी मसला बन गया, बिल्कुल। और यही वो उम्मीद अफजा पहलू है, यही वो पहलू है जो हमें इस तरह मुतवज्जे करता है कि इंशाल्लाह इसका जो आखिरी फतह है और जो आखिरी जंग है, मैं एक जुमला कहूँ और आप नहीं, अभी है टाइम आप बात कर सकते। इस मार्का हक़ो बातल में शिया सुन्नी दोनों का इत्तेफाक है कि मार्का हक़ो बातल में जो फाइनल मार्का है ले युज़हिरहुल दीन कुल्ले, जो हर दीन पर दीन मुबीन इस्लाम ने गालिब आना, किसी मसलक ने गालिब नहीं आना, किसी फिरके ने गालिब नहीं आना, दीन ने गालिब आना है, दीन हकीकी ने, वो दीन जो अल्लाह को पसंद है, वो दीन जिससे खुदा राजी है, वो दीन जो परवरदिगार आलमी ने सरकारे दो आलम पर भेजा है और वही दीन हकीकी है, उसने गालिब आना है और जिस शख्सियत के जरिए गालिब आना है हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। और आप जानते हैं डॉक्टर साहब मौजूद हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जहूर की जितने अलामात लिखी गई हैं और उनकी जो फाइनल जंग है वो यही फिलिस्तीन में होगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल भी फिलिस्तीन में ही होगा। तो इंशाल्लाह मसीहियत और मुसलमान एक जगह जमा होंगे। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में 2 अरब से ज्यादा मसीही आज के दौर में भी, लिबरलिज्म के दौर में भी, वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो तकद्दस है, जो उनका एहतराम है, मैंने अक्सर तकरीर में ये अर्ज किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल का एक फलसफा ये है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नजूल के बाद 2 अरब ईसाइयों से ये कहेंगे कि मैं ईसा हूं और जो कुछ मेरे नाम पर मुझे अल्लाह का बेटा बनाकर तुम्हें तालीमात या तुम तक पहुंचाई गई वो गलत है, मैं नबीउल्लाह हूं, मैं इब्ने मरियम हूं और मैं उम्मते मुहम्मदी के इसी शरीयत मुहम्मदी की का मुअय्यद मुआमिन मददगार और मुरव्वज बन के आया हूं और इंशाल्लाह दुनिया में उस वक्त पूरी इंसानियत में एक अमन कायम होगा। और हम जब इसराइल की बात करते हैं तो ये हत्ता यहूदी और मुसलमान की जंग भी नहीं है, चूंकि इसराइल यहूदियों की नुमाइंदा रियासत नहीं है, इसराइल उन इंतहा पसंद सिहूनियों की रियासत है बिल्कुल, जो खुद यहूदी तालीमात के भी मुखालिफ है। आगा साहब आपकी इतनी जामे माशाल्लाह है गुफ्तगू जिसमें पूरी तारीख आपने समो दी, अकायद समो दिए। जनाब डॉक्टर अब्दुलरहमान शाह साहब, जो हम गेन कर रहे थे ना इस जहाद से कि आलमी रायमा खिलाफ हो गई, जनूबी अफ्रीका जैसा मुल्क उसने आलमी अदालत में मुकदमा कायम किया और वो मुकदमा इसराइल का फैसला इसराइल के खिलाफ आया, उसके अल्फाज चिली लैटिन अमेरिका के 2 ममालिक ने ताल्लुकात तोड़ लिए इसराइल से। एक बात वही जो भी आगा साहब ने आखिरी की
कि यहूदियत और सिहूनियत में फ़र्क वाज़े हो गया। अब जितने मुजाहरे यहूदियों ने अमेरिका में किए हैं इसराइल के ख़िलाफ़, तारीख में आज तक नहीं हुए। यानी यहूदी यहूदियत और सिहूनियत बिल्कुल वाज़े होगी कि यहूदी कह रहे हैं हमारे मज़हब से इन सिहूनियों का कोई ताल्लुक नहीं, ये भी एक गेन हुआ। बिल्कुल, ये तो तारीखी तौर पर भी, यानी जो एक्सट्रीमिज़म या एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों को एकताना दिया जाता था, अल्लाह ताला ने वहाँ पे जाके इनको रख दिया, और वो जो सहयूनियत का जो है एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली इसको इंग्लिश में ज़ायनिस्ट जो है, ठीक है, ज़ायन उस, ये बुनियादी तौर पे इन्होंने क्या किया, इन एक्सट्रीमिस्ट ने पोप के थ्रू क्रिश्चियन के भी अकायद के अंदर ये बात दाखिल कर दी कि जब तक इस जगह पे हम काबिज नहीं होंगे, जैसे आगा साहब ने कहा कि वहाँ पे हज़रत ईसा मसीह का आना, इन्होंने उनके अकायद में शामिल करवाया कि हमें आप वहाँ पे कब्ज़ा दिलाओगे तो हज़रत ईसा आएंगे, तुम्हारे निजात दहिंदा बनेंगे और तुम जो है पूरी वर्ल्ड के ऊपर रूल करोगे। तो ये जो हमारे पास अक्सर अखबारात में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सहूनी, सहूनी नहीं है, सहायून, सहायून अरबी के अंदर, ये तमाम सहायूनी कुव्वतें हैं जिन्हें ज़ायनिस्ट कहते हैं। वाकई ये एक ऐसा तबका है जिसको आप रियल में एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं। अब आखिरी जुमला ये कि मुसलमान, मसीही और यहूदी, ये अब एक हो चुके हैं सहूनियत के ख़िलाफ़, उनको अल्लाह ने अलग करके रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब मौलाना शेख सखावत अली कुमी, बहुत मसरूफ़ वक्त में, क्योंकि आप हमारे मुल्क के नामवर खतीब हैं, टाइम निकाला। डॉक्टर अब्दुलरहमान शाह साहब, आप भी बेहद मसरूफ़ माहिर तालीम हैं, बहुत खूबसूरत जामे, और आज की का जो हक है इन दोनों शख्सियात का, आपका भी शुक्रिया, आपके तवस्सुल से इन मज़लूमीन के लिए हमें आवाज़ बहुत जज़ाकअल्लाह। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, जाते जाते राशिद ग़ौरी साहब से गुजारिश कि आप कलाम पेश करें। अली शाह है मर्दा इमाम कबीरा के बाद अजनबी शुद्ध बशीर नजीरा, जिंदगी का भरोसा नहीं जिक्र हैदर किया कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं जिक्र हैदर किया कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं जिक्र हैदर किया कीजिए, आकबत भी संवर जाएगी फरीजा अदा कीजिए, लाख सजदे किए जाइए फिर भी बख्शिश न हो पाएगी, ये मोहम्मद का फरमान है, इनके घर से वफा कीजिए, बुग़्ज़े हैदर है बुग़्ज़े नबी, ये निजासत है सबसे बुरी, बुग़्ज़े हैदर है बुग़्ज़े नबी, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये निजासत है सबसे बुरी, वाह जो अली से अदावत रखे दूर उनसे रहा कीजिए, वाह 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 सुभान अल्लाह, पीरा विचो पीर मेरा खैबरी, पीरा विचो पीर मेरा खैबरी, पंज नारा पंत नी सवा लख नारा हैदरी, जिक्र हैदर किया कीजिए, जिक्र हैदर किया कीजिए।